नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जॉबित पीडी की इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज इस क्लास के माध्यम से मैं अपने सेकंड चैप्टर के एक्सरसाइज 2.2 का प्रश्न नंबर 12 करेंगे। पिछली क्लास में हमने प्रश्न नंबर 11 कर लिए। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो उस क्लास का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहां से पहली वाली क्लास एक बार जरूर देख लेना। अगर आज की क्लास आपको पसंद आए तो आप प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर कर देना। अगर आप चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन के ऊपर दिया गया है। क्वेश्चन इस प्रकार है कि 15 वर्ष बाद में रवि की आयु उसके वर्तमान आयु की 4 गुनी हो जाएगी। तो रवि की हमें क्या करनी है, वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। ठीक है, हमें दोस्तों बोला गया है कि 15 वर्ष बाद में रवि की आयु उसके वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, रवि की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। ठीक है, तो दोस्तों 15 वर्ष बाद, यानी अगर मान लीजिए कि आपकी आयु अभी वर्तमान में 10 है, तो 15 वर्ष बाद में सिंपल सी बात है 10 प्लस 15 कितनी हो जाएगी, 25 हो जाएगी। मान लीजिए कि आपकी आयु 15 वर्ष है तो 15 वर्ष बाद में, यानी 15 के अंदर हम 15 जोड़ देंगे तो 30 हो जाएगी। ठीक है, मान लीजिए अभी आपकी आयु 12 वर्ष है तो 15 वर्ष बाद में 12 प्लस 15 तो यानी कितनी हो जाएगी, 27 हो जाएगी। ये दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है। एक कंडीशन तो ये दी गई है 15 वर्ष बाद में, दूसरी एक महत्वपूर्ण कंडीशन हमें ये दी गई है कि 15 वर्ष बाद में इसकी जो भी आयु होगी ना, वो वर्तमान आयु की 4 गुनी हो जाएगी। तो 15 वर्ष बाद में इसकी आयु कितनी हो रही है, एक्स प्लस 15 हो रही है। 15 वर्ष बाद में रवि की आयु कितनी हो रही है, x प्लस 15 हो रही है। तो ये x प्लस 15 है वो वर्तमान आयु की कितनी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी। तो वर्तमान आयु कितनी है, x है, तो इसका 4 गुणा, यानी हम क्या कर देंगे, इसको 4 से गुणा कर देंगे। ये दोनों मान क्या होंगे दोस्तों, बराबर होंगे। रवि की 15 वर्ष बाद की आयु यानी x प्लस 15, ये दोस्तों वर्तमान आयु के 4 गुणे के बराबर होंगे। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन के अंदर बोला गया। तो अपनी इक्वेशन क्या बन गई, इक्वेशन बन गई 4x बराबर x प्लस 15। ये दोस्तों हमें क्वेश्चन में बोला गया कि 15 वर्ष बाद में रवि की आयु होगी वर्तमान आयु की कितनी होगी, 4 गुनी होगी। तो यानी दोनों मान क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये हमने दोनों मान बराबर रख दिया। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, हम x का मान निकालना है। तो x x को हम एक साइड कर लेंगे, संख्या को एक साइड कर लेंगे। ये x इस तरफ है प्लस का है, इधर जाती क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। तो यानी 4x माइनस x बराबर 15। 4x में से 1x घटेगा तो कितना बचेगा, 3x बचेगा। 3x बराबर 15 है तो x का मान निकालेंगे तो ये 3 इसके भाग में आ जाएगा। तो यानी 15/3, 3 है दोस्तों 15 को कितनी बार डिवाइड करेगा, तब आप बोलोगे सर 5 बार डिवाइड करेगा, यानी कि 15 के अंदर 3 का भाग देंगे तो 5 हमें मिलेगा। तो x का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, 5 आ जाएगा। x हमने क्या माना था, x हमने रवि की वर्तमान आयु मानी थी। तो रवि की वर्तमान आयु दोस्तों कितनी आ जाएगी, 5 वर्ष आ जाएगी। ये तो दोस्तों हमसे पूछा गया था, हमें क्या निकालना था, रवि की वर्तमान आयु निकालनी थी। तो वर्तमान आयु कितनी आ गई, 5 वर्ष आ गई। तो ये दोस्तों अपना क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो आप इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर कर देना। अगर आप चैनल पे पहली बार पधारे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इससे संबंधित आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तब आप हमें कमेंट भी जरूर कर देना। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों जल्द मुलाकात होगी एक और बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, देखते रहना जो बीत पीढ़ी। जय हिंद, जय भारत।